गुड मॉर्निंग, देख रहे हो ऐसे जाना पड़ता है काम पे। लोग कहते हैं ना आसान है यूट्यूब, देख लो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भी। कैसा लग रहा है सुनंदा काम करते हुए? आज तो धुंध हो रही है यार, ठंड हो रही है आज। आज सुबह पता है मतलब सुबह जैसे अलार्म बजा, उठने की कोशिश करी कि चलो उठते हैं, ऐसा लगा यार चल 5 मिनट और सो जाते हैं। गर्मी ठंड लग रही है, मतलब रजाई गर्म हो रही है, 5 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं। वो साला 5-5 मिनट करके कब 1 घंटे में बदल गया ना, वो पता ही नहीं चला। उस चक्कर में हो गए मैं और सुनंदा दोनों लेट, हमें जाना एक मीटिंग में, भाग रहे हैं फटाफट। बेटी के साथ कुछ तो दिक्कत हो गई है ऑस्ट्रेलिया में, एक्चुअली वो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर उसका, वो पढ़ नहीं रही, तो फेल होने के चांस है। A few moments later. टाइम हो रहा है 7:10 और कोहरा देखो कितना हो रहा है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है, जबरदस्त। और मैं अभी जा रहा हूँ सुनंदा को पिक करने। आज सुनंदा का एक इवेंट भी है जो हमने लास्ट बुकिंग कराई थी ना वुडविल में, उसकी जो बुकिंग कराई थी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, उसको वहाँ से इवेंट से पिक करते हैं। मेरे को भी जाना था लेकिन मैं यार आज मीटिंग में इतना फंस गया कि मैं जा ही नहीं पाया वहाँ पे इवेंट में। तब तो जब तक पहुँचूंगा मैं, जब तक तो सब खत्म हो चुका होगा। पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा उसका। ये XL6 देख रहे हो, ये इसका जो पीछे की डिग्गी है ना, जैसे इसकी लगी हुई है, इसकी बैक की मतलब ये जो डिग्गी है ना बड़ी ही कमज़ोर बनी हुई है यार, जरा से ही उसमें फोन आ गया। बाय बाय माय जिम, मेरा जिम मेरे को याद कर रहा है, मेरा जिम मुझे बुला रहा है, बट मैं यार काम में इतना फंसा हूँ मैं जिम ही नहीं जा पा रहा हूँ। यही होता है हम इवेंट वालों की ज़िंदगी में, काम है तो सब कुछ काम काम काम, और काम नहीं है तो बिल्कुल खाली बैठे हैं कि जैसे हमसे ज़्यादा खाली कोई नहीं है। इतनी ठंड होती है ना सुबह सुबह, मैं सोचता हूँ कि यार मैं कल से सुबह सुबह जिम कर आऊँगा, तो मेरा जाना नहीं हो पाता, तो मैं सुबह सुबह जा करके सारी चीज़ें निपटा लूँगा। लेकिन सुबह सुबह वो जो नींद आती है ना, ओए होए होए होए, वो जो रजाई के अंदर जो गर्माहट आती है, और जब मैं एक टांग बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के ऐसा लगता है कि यार बस इसे वापस अंदर रख लूँ और सो जाऊँ। तो इस चक्कर में यार मैं सुबह सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। किसी के पास कोई नुस्खा है सुबह जल्दी उठने का तो बताओ यार, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं सुबह उठना जल्दी चाहता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सुबह सुबह यार रजाई खोल के देखी, बाहर हाथ निकाल के देखा, अच्छा ज़्यादा ठंड हो रही, अंदर करी रजाई मोड़ी और फिर सो गए। हेलो हेलो, कैसा रहा? बहुत मजा। हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन। कैसा रहा तुम्हारा? बहुत मजा आया, अभी हमने बहुत डांस किया। और क्या क्या किया? बहुत डांस किया, बहुत सारा खाना खाया, आइसक्रीम खाई। अभी तुम्हारे मालिक तो बहुत खतरनाक डांस किया भाई, मुझे थप्पड़ी लगा दिए। अच्छा जी, और क्या? मैं अब खाना बनाती हूँ। हाँ बनाती हूँ। कब? रोज। अरे मैं तो कभी नहीं देखा आपको खाना खाने पे। ये खाना बहुत अच्छा बनाती है ना सही है, लेकिन खाना खाती कब है? ये लेके नहीं जाती ना, बस उसी में दिक्कत है, ये खाना खाती ही नहीं है, बस खिलाती है ये। अच्छा, मैं खाना बनाती हूँ, एवरी नाइट बनाती हूँ, और जब संडे होता है, संडे को जब मैं खाने वैसे क्या क्या बनाती हूँ? सब कुछ, जैसे नॉन वेज छोड़ के, ये जो वो होती है ना उसकी सब्जी क्या कहते हैं, कद्दू की नहीं, घिया और तोरी। ओहो, अल्टीमेट बनाती है घिया और तोरी। हाँ वो तो अच्छे से बना लेंगे मैम, क्योंकि वो डाइट के लिए एकदम बेस्ट है ना मैम। हाँ नहीं, मैं वैसे भी बना लेती हूँ, जैसे गोभी वोभी है, पत्ता गोभी है, ये सब चीजें बना लेती हूँ। पत्ता गोभी से बनाते हो? ऐसे ही बना लेती हूँ मैं, नॉन वेज भी बना लेती हूँ, बट अंशुल के घर में खाते नहीं है तो कभी। आप नॉन वेज खाते हो? मैं खाती थी, अब मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा, अब ओनली वेजिटेरियन। फोन गंजू पटेल, गंजू गंजू गंजू, फोन ले, फोन कैसे मांग ले? मांग लिया उसने, कह रहा पा? आ आ जा, तेरे को झूला झुलाने चलो, चल। देखो फोन पकड़ा हुआ है इसने, अपने पास अपने पास पकड़ा हुआ है, तभी आंखें दिख रही है। बैग में फिर
मुझे क्या पता, मतलब ये न्यूज आई, हाँ कुछ मिला ही होगा, तभी तो इतनी फोर्स आ गई थी तुरंत, 15 मिनट में फोर्स फोर्स आ गई थी, डॉग पूरा 18 खाली कर दिया होगा, मतलब मेट्रो स्टेशन के आसपास कर दिया था इन्होंने। ये तो न्यूज सुबह अखबार में भी आ जाएगी, हो सकता है, पढ़ लेंगे क्या हुआ। तुम्हारा इवेंट कैसा रहा? बहुत मजा यार, मेरा मतलब सर भारी हो गया है अभी। हमारा बिल्कुल पैक था, सारे बच्चे आए थे और स्टाफ भी बढ़ गया था, तो सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया, मतलब हमें हटाना पड़ रहा था, हटो हटो, इतना डांस किया बच्चों ने, खाना मतलब एक नंबर था खाना वहाँ पे। तुम खाना लाई हो मेरे लिए? हाँ लाई, हमारे लिए टेस्ट कराने के लिए खाना, मतलब एक नंबर। आप सभी लोग वुडविल कैफे नोएडा 46 में ट्राई मतलब कर सकते हो, मस्ट ट्राई है ये, तो आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग हमारा रेफर कोड भी देते हो तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, हमने इतनी बात कर ली है, इतनी भी बात करी है। बोलो एक सब्सक्राइबर, जैसे ही आप दिखाओ कि आप सब्सक्राइबर हो हमारे, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। यस, मैं बात करके आ चुकी हूँ, अगर आप जाओगे, अगर आप हमारे बारे में बताओगे तो दे विल गिव यू सम डिस्काउंट। सो गो टू वुडविल कैफे, वहाँ जाओ, वहाँ मेरा चैनल दिखाओ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो एंड गेट अ डिस्काउंट। नहीं होगा तो सुनंदा से बात करा देना फोन पे। यस यस यस, मस्ट ट्राई मस्ट ट्राई।